जी फरमाइए, क्या जरूरी बात करनी है आपने? सरनाश कौन है? क्यों, क्या हुआ है? सरनाश वही छलावा ना जिसके लिए तुम मुझसे शादी कर रही हो, और तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें सब कुछ किसने बताया? मुझे जवाब दो सवेरा। हाँ, घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई आपको? दरअसल ये आपके घर का पता जानती है। हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं। मैं आपके लिए कुछ ठंडा वगैरह मंगवाती हूँ। राशिद, मैंने सवेरा पर कभी भी किचन की जिम्मेदारी नहीं डाली, बस वो शौक में ही खाना पकाना सीख गई। घर गृहस्थी तो लड़की की फितरत में होती है। आपने निकाह के बारे में कुछ सोचा? अपने घर वालों से आपने बात की? जी, हारिब के चचा हैं। अगली बार हम तारीख लेने आपके घर आएंगे तो हमारे साथ होंगे। मैं सोच रही थी कि सितंबर की 8 तारीख मुनासिब रहेगी, कि उस दिन छुट्टी भी है। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मुनासिब दिन है, और वैसे भी तारीख तो लड़की वाले ही तय करते हैं। मैं घर में मशवरा करके आपको कॉल करके बता दूंगी। शुक्रिया। लो, हारिब भी आ गया। हारिब, तुम्हारी महानूर आंटी सितंबर की 8 तारीख निकाह के लिए मांग रही हैं। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। हारिब, क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। कुछ तो मेहमानों का लिहाज करो, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया अम्मी, मैं सवेरा से शादी नहीं कर सकता। हारिब, तुम्हारे इनकार की वजह जान सकती हूँ? सवेरा मेरे इनकार की वजह जान, आप खुद उससे पूछ लें।